जिसमें भाव नहीं होता है वह भगवान को प्राप्त नहीं करता है, जिसमें भाव होता है वो प्राप्त करता है। सर्वत्र सिद्ध सिद्धांत है, जिसमें भाव होता है वो भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ देखा गया कि जिसमें कोई भाव नहीं था वह भी भगवान की कृपा से विद्याधर हो गया और सुदर्शन हो गया। सुदर्शन का अर्थ है जिसका जिसकी फिलॉसफी फर्स्ट क्लास की है, सुदर्शन। और विद्याधर, विद्या में भक्ति, तो विद्याधर करने वाला और सुदर्शन दोनों हो गया। सुदर्शन, दर्शन का अर्थ होता है सिद्धांत, फिलॉसफी, दर्शन। यही कहते हैं कि भगवान में बिना भाव के भी केवल स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से वो विद्याधर हो गया, सुदर्शन हो गया। दुर्दर्शनो विपत् स्थितिराशि प्राग विप्रयोग तो युक्त। अद्भुत अद्भुत बात कह रहे हैं। विप्रयोग से सुदर्शन दुर्दर्शन हो गया था, विप्रयोग से। विप्रयोग मतलब ब्राह्मण के योग से, या इसका अर्थ है कि जो योग नहीं किया, योग के उल्टा किया, विप्रयोग, योग नहीं किया तो कुदर्शन हो गया, अजगर बन गया। और जब साधु संयोग हुआ, साधु संयोग सुंदर सम्यक योग हुआ तो सुदर्शन हो गया। विप्रयोग से कैसे दुर्दर्शन हुआ था, ब्राह्मण पर हंसी उड़ा रहा था, हंस रहा था, इसीलिए उन्होंने सांप दे दिया कि तुम अजगर हो जाओ, सांप हो जाओ। इसका एक और अर्थ भी होगा कि विप्रयोग ब्राह्मण के संग से अजगर हो गया और साधु संग से सुदर्शन हो गया, साधु नंद बाबा। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ है योग शब्द से, सुसाधु योग, साधु संयोगात सुदर्शन और विप्रयोगत दुर्दर्शन। देखने ही लायक नहीं रह गया, दुर्दर्शन। विद्याधर लोग बहुत गीत गाते रहते हैं स्वर्ग में, अपने लोगों में बहुत गीत गाते हैं, तो उनको गीताभ्यासी कहते हैं, गीताभ्यासी। गीताभ्यासी चाद जात चिन्ह मोह सर्प भ्रांतो जातोप्यस विद्या हृदय नष्टे दृष्टे दुर्भगे स्वरूपम पश्यत तस्मिन् सो हृदय प्रमाण। गीता पढ़ने वाले पर हरिश्वर जी कहते हैं कि जो गीताभ्यासी है, गीता का अभ्यास करता है, वह अगर कदाचित मोह सर्प से ग्रस्त हो जाए, क्योंकि होता नहीं है, गीता पढ़ने वाला भगवान की कृपा से पार हो जाता है। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसने एक कण भी गंगा जी का पानी पिया है और गीता पढ़ रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो वह भगवान का धाम प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन कदाचित मान लीजिए गीता भ्यासी भी यदि वो सर्प से ग्रस्त हो जाए, तो गीता भ्यासी जातो चिन्ह मोह सर्प भ्रांतो जातो अपि यस विद्या हृदयः। लेकिन वो विद्याधर ही रहेगा, यदि गीता पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो कुछ भी हो जाए, मोह सर्प से भी थोड़े काल में ग्रस्त हो जाए, लेकिन विद्याधर ही रहेगा। नष्टे दृष्टे दुर्भगे स्वात् रूपम, अपना दृष्ट अदृष्ट खत्म होने पर, कर्म बीतने पर अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है, स्वात्म रूप पश्यति अस्मिन् सो अहिरेव प्रमाण। इस प्रसंग में वह सर्प स्वयं ही प्रमाण है। गीत का अभ्यास करने वाले होते हैं विद्याधर, जैसे विद्याधर अंत में विद्याधर ही रहा, ऐसे ही गीता अभ्यासी विद्याधर ही रहेगा।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gita Bhyasi, Jatuchin Mohasarpa. गीता का अभ्यास करने वाला अज्ञान सर्प से ग्रस्त नहीं होता है। अगर कदाचित हुआ भी भ्रांतो जातो अपि एष विद्याधरदेव, इसके बाद वो विद्याधर ही रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.